देखिए, आज अब हम आपको कमल कसीदे का एक वेरिएशन बताएंगे। पहले भी हमने बताया था, पर हम शॉर्ट बताया था, मतलब लंबाई में कम। इस बार हम लंबाई में ज़्यादा वाला बता रहे हैं। देखिए, पहले आप इस तरह का एक नुक्का बनाएंगे। ये बना लिया हमने नुक्का। इसके बाद हम नीचे देखिए गठान लगा देंगे बारीक से। काट देंगे हम इसको। ये बन गया हमारा नुक्का। इसके बाद अब हमने ये दूसरा धागा लिया जो कि हमने पहले ही पिरो रखा है, और इसके बाद देखिए हम काफी नीचे से, ये देखिए, ये आप जितनी लंबाई रखना चाहें आप पर निर्भर है। हमने इतनी लंबाई रख रहे हैं, इतनी देखिए ये हमने लिया है। इस नुक्के में से हमने निकाला है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, बस ये दो लाइनें रखेंगे। चाहे तो अपन लाइनों को सिंगल रहने दें, चाहे डबल कर दें इनको। ये देखिए, जैसे मैं इनको डबल कर देती हूँ, आप चाहे तो सिंगल पे रख सकते हैं इनको। ये देखिए, सेम छेद में से निकालें, इसमें आप अलग छेद से नहीं निकालें। देखिए, इसके बाद देखिए अभी सेंटर से निकाल लें, इसको आप टाइट रखें। देखिए अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये एक ही धागा मानना है, इसे आपको चार नहीं मानना है। ये दो धागे हैं, मतलब एक ये यूनिट है, एक वो यूनिट है। इस तरह से अब आप देखिए, इस तरह से आप यहां तक आएंगे। देखिए अब हम ऊपर आकर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम ये नुक्का काट देंगे और ये इसे हम बाद में अपने तरीके से हटा देंगे। और देखिए इसमें हम ऊपर ही ऊपर एक गठान लगा देंगे। ये देखिए, अब आप चाहें तो इसको यहां से नीचे की तरफ ऐसे चिपकाते हुए रख सकते हैं, टेढ़ा करके। जैसे देखिए ये ऐसे टेढ़ा करके रख सकते हैं आप, सीधा करके लगा सकते हैं किसी भी तरह से। या तो आप इसे चिपका सकते हैं इस तरह से अंदर डाल के, और या आप इसे यहां से काट के ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा करे उस तरह से आप इसे मरोड़ के या किसी भी तरह का लुक दे सकते हैं।